हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दोस्तों, ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट चला है, इसके अंतर्गत हमने दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, वो कंप्लीट करा दिए न्यूमेरिकल सहित। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी तो उनको भी देखिए जरूर, ठीक है। आज से हम आपका जो तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द्रवों का स्थितिक दाब स्टैटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। कुल दाब या संपूर्ण दाब, जिसको बोलते हैं टोटल प्रेशर, यानी कि टोटल प्रेशर क्या होता है। इसमें कहा गया है किसी तरल के द्वारा, यानी कि कोई लिक्विड है, कोई तरल पदार्थ है और किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस तरल का उस सतह पर कुल दाब या संपूर्ण दाब कहलाता है, ठीक है। संपूर्ण यहाँ पर दाब रह चुका है, ठीक है, संपूर्ण दाब कहलाएगा। देखिए इसमें क्या गया है, यानी कि हमारे पास कोई लिक्विड है और जैसे ही हम लिक्विड को ऊपर से प्रेशर यानी कि ऊपर से बल लगाएंगे और वो जितनी सरफेस पर लगेगा ना, उसी को ही हम क्या कहेंगे, कुल दाब या संपूर्ण दाब कहेंगे। इसका अगर आप एग्जांपल देखें तो जैसे कि आप इंजेक्शन देख लीजिए, इंजेक्शन का जो आप ऊपर से उसको प्रेशर से लगाते हैं तो उसकी जो नीचे की जो सरफेस होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। तो उसी को यानी कि इंजेक्शन जो है आपका टोटल दाब, यानी कि इसका कुछ उदाहरण टाइप का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका दाब या दाब तीव्रता या इकाई दाब। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। दाब तीव्रता को प्रेशर इंटेंसिटी, इकाई दाब को यूनिट प्रेशर, ठीक है। चलिए सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, सतह के इकाई क्षेत्रफल पर तरल द्वारा लगाए गए बल को इकाई दाब या दाब तीव्रता या दाब कहते हैं। इसको स्मॉल पी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना है, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं दाब, दाब तीव्रता या इकाई दाब को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सतह पर दाब क्या हो जाएगा, स्मॉल पी। देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो चुका है कुछ, आप इसके लिए यहाँ पर ये स्मॉल पी होएगा, स्मॉल पी इज इक्वल टू यहाँ पर ये कैपिटल पी अपॉन के एरिया, यानी कि ए। इसमें क्या क्या है, यानी कि किसी सतह पर इकाई, या इकाई किसको बोलते हैं, 1/a, इकाई क्या हो जाएगा, 1/a, यानी किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला क्या, लगने वाला बल, ठीक है। बल को हम इस पी से प्रदर्शित करें, बल फॉर प्रेशर, ठीक है। प्रेशर के कोई हम क्या बोल देंगे, दाब, दाब तीव्रता, इकाई दाब क्या है, इसको हम स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। ये फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा, स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन के ए, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट देखते हैं तो पी क्या है हमारे पास, प्रेशर। प्रेशर किसके द्वारा लगता है, दाब के, वो बल के द्वारा, यानी कि जब आप बल लगाएंगे तो दाब प्रेशर बढ़े, प्रेशर लगेगा तो प्रेशर का जो यूनिट हो जाएगी वो न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। और एरिया की क्या यूनिट होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यानी कि जो एसआई प्रणाली में जो इसकी यूनिट आ जाएगी, इसकी जो मात्रक आ जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और एमकेएस प्रणाली में देखें तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसने फोर्स को, जो प्रेशर लग रहा था उसको एफ में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि वो फोर्स ही लग रहा है हमारा एफ अपॉन के ए, यानी कि कैपिटल पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला लग सकता है। और कैपिटल पी, सॉरी, स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन एरिया, ये भी फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमारी तीसरी एडिंग है, इसमें कहा गया है कि द्रव के अंदर दाब प्रेशर विद इन अ लिक्विड, यानी कि इसमें क्या कहा है, यानी कि हमारे पास कोई किसी बर्तन पात्र में लिक्विड है, ठीक है, और उसी लिक्विड के अंदर क्या प्रेशर होता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए सभी तरल या द्रव अपने भार के कारण दाब डालते हैं। क्या कहा गया है कि सभी तरल या द्रव, यानी कि जितने भी हमारे फ्लूइड लिक्विड है, वे अपने भार के कारण दाब डालते हैं, यानी कि इसमें हम आपको भी आगे डायग्राम की मदद से बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए आप ये देखिए, इसमें कहा गया सभी तरल या द्रव अपने भार के कारण दाब डालते हैं। देखिए आगे के लिए, अभी आप ये देखिए, सपोज़ ये इसमें कोई, ये हमने कोई पात्र ले लिया, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि द्रव के अंदर दाब क्या होता है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमारा कोई लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, उस लिक्विड पदार्थ के ऊपर, ये भी तो हमारा यहाँ से यहाँ तक कई सभी लिक्विड पदार्थ है, उस लिक्विड पदार्थ का जितना भार होगा वो इस लिक्विड पदार्थ पर लगेगा। तो इसमें यही कहा गया है, अभी के लिए देखिए, इसमें यही कहा गया है कि सभी तरल या द्रव अपने भार के कारण दाब डालते, प्रेशर लगाते, ठीक है। अब आगे द्रव के अंदर किसी बिंदु पर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि किसी, कोई फ्लूड है, लिक्विड है, ठीक है, यानी कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब उस बिंदु के ऊपर के द्रव के भार के कारण
होता है, ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको डायग्राम में बताया। अब आगे इसमें कहा गया है इसमें कि भार की तीव्रता दर की गहराई पर निर्भर करती है, यानी कि जो भार होगा ना, भार की तीव्रता, यानी कि जितनी गहरा मतलब जितना वेट होएगा वो दर की गहराई, उसकी गहराई डेप्थ पर निर्भर करेगी, ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया कि हमने कोई पात्र लिया है, अब इस पात्र के बारे में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि बर्तन में भरे दरों का कुल भार, यानी कि हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है, बर्तन है, और इस बर्तन में जो दरू भरा है, जो लिक्विड भरा है, इसका हमें टोटल वेट लेना है। वो कैसे निकलेगा देखिए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है ये कि बर्तन में भरे दरों का कुल भार क्या, इसको कुल भार को टोटल कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू दरों का अपेक्षिक भार, यानी कि जो उसका स्पेसिफिक वेट होगा, और इसी दरों का जो वॉल्यूम होगा उसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल वेट निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए दरों का अपेक्षिक भार क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू। दरों का एरिया, दरों का एरिया क्या होता है, सॉरी दरों का आयतन, आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये होता है ना, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। एल बी क्या होते हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, एरिया, यानी एरिया, एरिया आ चुका है, एच एच आ चुका है, ठीक है। फिर जहाँ इसमें कहा गया कि जहाँ ए क्या है, एरिया है, एक क्षेत्रफल, एच क्या है, दरों की ऊंचाई, ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कुल दाब, यानी कि टोटल प्रेशर टोटल वेट के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो दरों की ऊंचाई है ना, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दर की ऊंचाई है, और सभी बिंदुओं पर, यानी कि आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, इसके तली पर सभी बिंदुओं पर समान क्या लगेगा, ऊंचाई रहेगी, यानी कि दर की समान ऊंचाई रहेगी, ठीक है। और इन बिंदुओं पर सभी पर क्या लगेगा, सभी पर समान भार लगेगा, सभी पर कुल भार लगेगा, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, कुल बिंदुओं पर कुल दाब पी बराबर डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि साथ ही बर्तन की तली पर दाब तीव्रता, अब हम बॉटम पर क्या निकालें, बॉटम पर निकालें दाब तीव्रता। अब दाब तीव्रता का क्या फॉर्मूला, देखिए हमने अभी दाब तीव्रता का फॉर्मूला पीछे देखा है, क्या है कि कैपिटल सॉरी स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन एरिया, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, स्मॉल पी इज इक्वल टू कैपिटल पी अपॉन के एरिया, पी हमने बराबर क्या ले लिया, W, तो P की जगह W, A की जगह एरिया, और ये क्या आ चुका है, कैपिटल W, कैपिटल W का फॉर्मूला हमने अभी देखा, ये यहाँ पर कितना है, स्मॉल W A इंटू एच, ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया, स्मॉल कैपिटल W का मान स्मॉल W A इंटू एच अपॉन A, इस A से ये A कट चुका है, हमारे पास कितना क्या बचा, स्मॉल W H बचा, ठीक है, यानी कि स्मॉल P बराबर हमारे पास आ चुका है स्मॉल W इंटू एच, ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। अब देखिए जो अभी हमारे पास फॉर्मूला निकला है, क्या निकला है, स्मॉल पी इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एच। अब अगर इस फॉर्मूले से इसकी डिफिनेशन देखिए, दाब या दाब तीव्रता की परिभाषा देखिए, डिफिनेशन देखिए, तो ये क्या कहेगा कि दरों के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता स्मॉल पी, दरों के अपेक्षिक भार स्मॉल डब्ल्यू, तथा उस बिंदु पर दरों की ऊंचाई एच के गुणनफल, इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणनफल के बराबर होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, दाब दाब तीव्रता कह देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो ये हेडिंग थी दर के अंदर दाब, यानी कि दर के अंदर दाब प्रेशर विधि ने लिक्विड, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगली हेडिंग देखते हैं, हम अगली हेडिंग है हमारे पास, अब अगली हेडिंग है हमारे पास दर स्थितिकी के मूल सिद्धांत, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ हाइड्रोस्टेटिक, दर स्थितिकी के मूलभूत सिद्धांत, मूल सिद्धांत, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, इसके तीन सिद्धांत हैं, इसमें ये पहला है, यहाँ पर इसमें मार्किंग कर लीजिए आप, नंबर वन, दर के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता, जो कि अभी हमने देखा है, उस बिंदु पर दर की ऊँचाई के समानुपाती होती है, ठीक है, यानी कि पी समानुपाती एच, यानी कि क्या कहा गया है इसमें कि दर के अंदर किसी बिंदु पर दाब तीव्रता स्मॉल पी, ठीक है, उस बिंदु पर दरों की ऊंचाई के समानुपाती होता है, ठीक है, ये आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए, ठीक है, पी समानुपाती एच। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसको मार्किंग कर लीजिए, नंबर दो, स्थिर दर के कारण, यानी कि हमारे पास कोई दर है जो कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, स्थिर है,
के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता सभी बिंदुओं में समान होती है। यानी कि आप देखिए, इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। आप कोई बर्तन ले लीजिए, बर्तन में कोई पानी भर लीजिए, पानी को आप नॉर्मल कंडीशन में रख दीजिए ताकि वो हिले डुले ना, और उसकी जो तली बॉटम होगी उसमें वो क्या होगा, वो समान दूरी पर समान भार लगेगा। इसमें यही कहा गया है कि स्थिर दरों के कारण किसी बिंदु पर दाब तीव्रता यानी कि जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो सभी बिंदुओं में यानी कि उसकी सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पर भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट मार्किंग कर लीजिए इसको। इसमें कहा गया है किसी सतह पर स्थिर अवस्था में यानी कि कोई सरफेस पर स्थिर अवस्था में दरों का दाब हमेशा उस सतह पर लंबवत कार्य करता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इसको एक बार दोबारा से पढ़िए। इसमें कहा गया किसी सतह पर स्थिर अवस्था में दरों का दाब हमेशा उस सतह पर लंबवत कार्य करता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि हमारे पास कोई नॉर्मल लिक्विड है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है। ठीक है, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है अभी के लिए, और उसकी जो नीचे की सतह होगी, बॉटम होगी, वो उस पर क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर वर्क करेगा। बस इसमें इतना ही इसके मूल सिद्धांत में कहा गया है। ठीक है, बस इसके केवल तीन ही सिद्धांत थे, दर स्थितिकी के मूल सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे अगली वीडियो में इससे जो अगला टॉपिक होएगा हमारा पास्कल का नियम, उससे स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।